नासा का स्पेस शटल एक ऐसा स्पेस व्हीकल है जो कि रॉकेट की तरह टेक ऑफ करता है, स्पेसक्राफ्ट की तरह स्पेस में जा सकता है और एरोप्लेन की तरह लैंड हो जाता है। इस स्पेस शटल प्रोग्राम को 1981 से 2011 तक ऑपरेट किया गया था और इस तरह के 6 शटल्स को बनाया गया था जिनमें से 5 ऑपरेशनल थे। इसकी मदद से न सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाया जा सकता था बल्कि भारी कार्गो और हार्डवेयर को भी लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जा सकता था। इसी की मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बहुत सारे पार्ट्स और हबल स्पेस टेलीस्कोप को भी प्लेस किया गया था। इस पूरे प्रोजेक्ट में $200 बिलियन से ज्यादा का खर्च आया था क्योंकि स्पेस शटल्स को रीयूज किया जाता था। इन्हें 135 बार लॉन्च किया गया था जिनमें से चैलेंजर और कोलंबिया नाम के 2 स्पेस शटल्स अनसक्सेसफुल रहे थे। इसी कोलंबिया शटल में इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला भी थी जिसका रीएंट्री के टाइम पर एक्सीडेंट हो गया था। वैसे अगर आप स्पेस शटल और प्राइमरीली कल्पना चावला के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कुकू FM पर इस तरह की ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। न्यू ईयर के मौके पर आप इसके ईयरली प्लान को 50% डिस्काउंट के साथ में यानी कि केवल 199 रुपीज में ले सकते हैं और पूरे साल इसी तरह के एजुकेटिंग ऑडियो बुक्स को एंजॉय कर सकते हैं।